हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि कैसे आप कोई भी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं अपने पीसी में और कैसे उसे अपने पीसी में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको करना क्या है, आपको अपने पीसी में जाके क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। जैसे ही आप क्रोम ब्राउज़र ओपन करोगे, वहाँ सर्च बार में आप टाइप करिए filehippo.com। ठीक है, filehippo.com में क्लिक कर दीजिए। तो ये filehippo है क्या? filehippo एक ऐसा वेबसाइट है जहाँ पे आप कोई भी सॉफ्टवेयर अपने पीसी के लिए डाउनलोड कर सकते हो। और अच्छी बात ये है कि इसमें ये एकदम सेफ और सिक्योर है, वायरस का कोई टेंशन नहीं है और यहाँ पायरेटेड सॉफ्टवेयर्स भी अवेलेबल नहीं है। ओके, ये एकदम सेफ एंड सिक्योर है और यहाँ बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। आप जो भी सॉफ्टवेयर चाहते हो अपने पीसी में इंस्टॉल करना, आप यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप इस वेबसाइट के थ्रू कोई भी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड और इंस्टॉल कैसे करेंगे। मान लीजिए मैं एक एग्जाम्पल के लिए आपको दिखा रहा हूँ, मैं गूगल क्रोम डाउनलोड करना चाहता हूँ। तो गूगल क्रोम का पेज खुल जाएगा, वहाँ पे जाके आपको करना क्या है, वहाँ पे जाके आपको क्लिक करना है डाउनलोड बटन पर। डाउनलोड लेटेस्ट वर्जन वाला में मैं क्लिक कर रहा हूँ। तो डाउनलोड लेटेस्ट वर्जन में क्लिक करते ही यहाँ पे आप देख सकते हो डाउनलोड का एक पेज आ गया और यहाँ पे हमारा क्रोम डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया। तो इसी तरह आप कोई भी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हो अपने पीसी में। मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे क्रोम दिखाया, आप चाहो तो कोई और भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हो। जब आपका सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएगा तो आप डाउनलोड फोल्डर में जाके देखोगे कि आपको उसका सेटअप नज़र आएगा। जैसे मैंने अभी क्रोम डाउनलोड किया तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्रोम का सेटअप शो कर रहा है। अगर कोई और सॉफ्टवेयर, मैंने पहले एक एडवांस सिस्टम केयर भी डाउनलोड किया तो एडवांस सिस्टम केयर का भी सेटअप यहाँ पे आपको नज़र आएगा। तो मैंने आपको करना क्या है, आपको उसमें राइट क्लिक करना है और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर देना है। एक पॉपअप आएगा, पॉपअप को आप यस कर दीजिए और जो भी नेक्स्ट विंडो खुलेगा और जो भी जैसा इंस्ट्रक्शंस दिखाता है आप उसको फॉलो करते जाइए और सॉफ्टवेयर आपके पीसी में इंस्टॉल हो जाएगा। जैसे क्रोम, अभी इंटरनेट मैंने एक्टिव नहीं रखा है तो इंटरनेट से कनेक्ट होके यहाँ क्रोम इंस्टॉल होने लग जाएगा। अगर मान लीजिए मैं आपको एडवांस सिस्टम केयर का सेटअप रन करके दिखाता हूँ, तो क्या करूँगा, मैं सेम रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करूँगा, वहाँ पे पॉपअप जो भी आएगा उसमें यस क्लिक कर दूँगा। और यस क्लिक करने के बाद क्या होगा, एडवांस सिस्टम केयर का इंस्टॉलेशन पेज आपके विंडो में शो करने लगेगा। जब इंस्टॉलेशन पेज आपके विंडो में शो करेगा, आपको इंस्टॉल में क्लिक कर देना है। मैं इंस्टॉल में क्लिक करके इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकता हूँ। मैंने पहले इंस्टॉल कर रखा है ये सॉफ्टवेयर, तो मैं इसे फिर से इंस्टॉल नहीं करूँगा। लेकिन आप इसमें इंस्टॉल क्लिक करोगे तो जो भी नेक्स्ट विंडो आएगा वहाँ इंस्ट्रक्शंस रहेंगे, उसको आप फॉलो करते हुए सॉफ्टवेयर को अपने पीसी में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ मैं आपको समझ में आया होगा ये स्टेप्स। अगर कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।